प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि अगर पाकिस्तान मेहनत करे तो पाकिस्तान इंडिया को इकॉनमी में पीछे छोड़ सकता है। इंडिया क्या इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ सकता है। सबको सामने इकट्ठा करा और बेवकूफ बना दिया। ये तो बड़ा ब्रॉड बेस्ड स्टेटमेंट दे दिया। और ये भारत के साथ क्या, भारत या भारत का बाप नहीं, भारत ही सबका बाप है बेवकूफ आदमी। मैंने पाकिस्तानी को बोला कि खड़े तो हम हैं, तुम तो पड़े हो। मैं नहीं मानता, ओ मैं नहीं मानता। फिर ये सेम चीज, उस दिन दिल टूट गया। उस दिन यार मैंने सोचा, यार ये बंदा था जिसके बचपन में हम कहते थे यार कि जिंदगी में अगर कभी किसी से मिलेंगे तो उमर शरीफ। अच्छा, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है जिसने पाकिस्तानी समेत पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम मेहनत करें तो हम इंडिया को इकोनॉमी वाइज बीट कर सकते हैं। इंडिया क्या इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट को? मेहनत करने से कौन रोक रहा है, जरा ये भी चैप्टर समझा दो जरा। मैं एक बार, जो हमारे हीरोज हैं ना वो उनके विलेंस हैं, और जो उनके हीरो हैं वो हमारे विलेन हैं। इसलिए भारत और पाकिस्तान की, मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा उसका नाम ITU है। ITU 2012 में बनी थी, ठीक है, पर इन्होंने कहा था हम IIT का मुकाबला करेंगे। ITU का अभी तक मेन कैंपस नहीं बन सका, और IIT जो है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो इन 10 सालों में भी अभी 2-3 कैंपस ज़्यादा बना चुकी है। इंडिया की जो सी पॉलिसी है ना, वो पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट अभी तक आप देख सकते हैं, 5 साल 2008 से 2013 तक हुए थे कंप्लीट, वो भी एक वजीर आजम ने नहीं किए थे कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद अभी तक आप देख लें, किसी भी ये जनरल मुशर्रफ का मार्शाला था, वो हुए थे कंप्लीट, उनके अपनी मर्जी थी क्योंकि आर्मी कर सकती है, तो उन्होंने अपने मुकम्मल साल किए थे। उसके बाद जो भी हुकूमत आई अभी तक अपने मुकम्मल 5 साल नहीं कर सकती। हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP News 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का PM शहबाज शरीफ, जिसकी एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, वो जिसमें ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर हम मेहनत करें तो भारत क्या भारत के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। अभी उसे कौन बताए कि भारत का बाप कोई है नहीं, भारत ही सबका बाप है। और ये एक सीधे तौर पर मतलब अपनी गर्म जोशी में ऐसा बयान दे रहा है। मैं आपको बता दूं, एक पाकिस्तानी लड़के ने इनकी जो है पूरी बोल पट्टी खोल के रख दी। जब 2012 में IIT यहाँ पर स्टार्ट हुआ तो पाकिस्तान में कुछ इस तरीके की बातें चली थी कि हम भी IIT का मुकाबला करेंगे। आज तक तो वहाँ से सिर्फ मदरसों से अलग कुछ और चीज़ों का निर्माण या कोई और यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई, आज तक सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर मदरसे ही बने और मदरसा छाप ही पाकिस्तान के लोगों ने पढ़ाई की। तो दोस्तों, पाकिस्तानी PM का ये जो बयान है बहुत ही ज़्यादा वायरल है और फिलहाल चर्चाओं में भी है। अब मुझे एक बात बता दीजिए, क्या पाकिस्तान कभी इंडिया का कंपेरिजन हो सकता है? पाकिस्तान और इंडिया का कंपेरिजन ठीक ऐसी प्रकार है जैसे धरती और आकाश। तो दोस्तों, अब इस पर पाकिस्तानी आवाम क्या बात कर रही है, किस तरीके के उनके ख्यालात हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर अच्छा, ये वैसे पर्सनली मैंने अभी सुनी नहीं है, लेकिन जब मैं सुनूंगा तो उनके एक्सप्रेशंस देख के भी मुझे कुछ अंदाज़ा होगा कि वो किन गट्स से ये बात कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक इसकी बात है, सबसे पहले तो ये ना कि आपको उनको बीट करने के लिए ना अपने सिस्टम्स को सेट करना पड़ेगा। और अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जिनको आप जब तक सेट नहीं करेंगे ना, यू कैन नॉट बीट इंडिया, दैट्स अ क्लियर थिंग। जैसे कि आपका एजुकेशन सिस्टम, मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा उसका नाम ITU है। ITU 2012 में बनी थी, ठीक है, पर इन्होंने कहा था हम IIT का मुकाबला करेंगे। ITU का अभी तक मेन कैंपस नहीं बन सका, और IIT जो है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो इन 10 सालों में भी अभी 2-3 कैंपस ज्यादा बना चुकी है। वहाँ से निकलने वाले स्टूडेंट्स आप देखें, सुंदर पिचाई जैसे स्टूडेंट्स हैं वहाँ से निकलने वाले। इस वक्त आपका गूगल के जो इंडियन CEO हैं वो भी IIT से हैं। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उनके CEOs IIT से हैं, फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स IIT से हैं। तो मतलब कि आपके जो है वो जो आपका स्टेटमेंट है, जो कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने दिया है, तो उनका जवाब मेरे ख्याल से 90% मेरी इस जवाब में, मेरे इसी आंसर में मिल गया होगा आपको, कि वी इन 12 इयर्स वी वर नॉट एबल टू मेक अ मेन कैंपस, स्टेट ऑफ द आर्ट मेन कैंपस ऑफ ITU, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, द ग्रेट नेम विच वॉज प्रपोज्ड बाय डॉक्टर उमर सैफ, एंड इन द अदर हैंड दे आर जस्ट इम्प्रूविंग देयर रिसर्च सेंटर्स इन द नेम ऑफ IIT ईयरली, बाई ईयरली एंड 5 ईयरली। सो यहाँ से
एक बहुत अच्छा आपको एक पिक्चर मिल गई होगी कि अब आप बताएं कि कंपीट बातों से कर रहे हैं कि नहीं, डेफिनेटली प्रैक्टिकली करेंगे तो बीट कर सकेंगे। अब उन्होंने कहा कि अगर हम मेहनत करें तो सवाल मेरा ये है कि अगर का क्या मतलब है, 70 सालों से क्या पाकिस्तान मेहनत नहीं कर रहा, क्या पाकिस्तानियों ने स्ट्रगल नहीं की, पाकिस्तान के सियासतदानों ने स्ट्रगल नहीं की, अगर या करने नहीं दी गई, 70 साल हमने इस मुल्क को आज़ाद करवाए, हमें हो गया, मतलब लाइक 1947 में पाकिस्तान जो है वो इंडिया से अलग होकर बना, दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान मार्फ वजूद में आया, और आप देखें ये कह रहे हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो अगर का मतलब समझ नहीं आ रहा। स्टार्ट में आपने बात ये की थी ना कि क्या की नहीं है, तो की तो नहीं है, ठीक है, और फिर करने भी नहीं दी गई है। अब करने नहीं दी गई है ये आप काफ़ी अच्छी तरह जानती हैं कि किन्होंने करने नहीं दी है और क्यों नहीं करने दी है। इस चीज़ का अंदाज़ा आपको स्टार्ट से ही हो जाता है कि जिससे मुझे थोड़ा सा एज अ पाकिस्तानी चीज़ है कि यार आफ्टर 1948 जब काज़ाज़म अपने बिस्तर मर्ग पे भी थे तो तब भी वो किसी अंग्रेज़ को मिलते थे तो वो खड़े होकर मिलते थे, क्यों? इसकी वजह सिर्फ यही थी कि ताकि वो ये ना जान जाएंगे मैं बीमार हूँ, तो वो अभी से अटैक करना शुरू कर देंगे। एंड वंस ही इज़ डेड, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग जो है ना वो सीधा फ्लाई कर रहे हैं टूवर्ड्स अमेरिका। आपके साथ वाले मुल्क की क्या स्ट्रेटजी है? जो हमें फ़ायदा देगा हम उसके साथ बस उतना काम करेंगे। आपको याद होगा अमेरिका ने इंडिया को मना किया था कि आपने रशिया से खाम तेल नहीं ख़रीदना, उन्होंने वहीं पर उनको शट अप कॉल दी थी कि आप कौन होते हैं हमें डिक्टेट करने वाले, हमें गाइडलाइन दे। पाकिस्तान में ये बाइक कितने की मिलती है और भारत में बाइक कितने की मिलती है? आपने कभी देखा किसी बलोच यूट्यूबर को ये बोलते हुए कि भारत की ये हीरो होंडा इतने की मिलती है, होंडा जो भी होती है आजकल हीरो जो भी है वो इतने की मिलती है और पाकिस्तान में कितने की मिलती है? क्या बात कह रहे हो, ये इंडिया ने बाइक बनाई है? मैं नहीं मानता। नहीं भाई आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं इंडिया ने बनाई। कितने की ये मोटरसाइकिल? ये कम से कम 35 लाख रुपए की होगी। फिर से गैस करिए, चलिए 30 लाख की, नहीं फिर से गैस करिए, नहीं 20 लाख से तो कम की होगी नहीं। अगर मैं आपको कहूं ये मोटरसाइकिल 1.25 लाख की है तो मैं नहीं मानता, ओ मैं नहीं मानता। फिर ये सेम चीज, ये कार इतने की है भारत में कितने की है, कद्दू इतने का है भारत में कितने का है, धनिया कितने का है भारत में, इनका यही है 24 घंटे। ये क्या है? ये हीरा है, हीरा। भारत में इसको क्या कहते हैं? भारत में इसको लहसुन कहते हैं, लहसुन कहते हैं, मैं नहीं मानता लहसुन कहते हैं, हीरे को तो हीरा ही कहेंगे। यार इनकी ना कभी कॉमेडी खत्म नहीं होती, और ये बेसिकली एक पाकिस्तानी पंजाबी माइंडसेट है कि भारत से हर चीज कंपेयर करनी है। यू नो यू हैव टू कंपेयर एवरीथिंग टू इंडिया, क्यों हर समय? और ये अच्छा है बहुत हमारे लिए, जो शहबाज शरीफ ने बोला ना, भारत को शहबाज शरीफ जैसे लोग चाहिए, या इस माइंडसेट के लोग, नॉट स्पेसिफिकली शहबाज शरीफ, इस माइंडसेट के लोग जो भारत के साथ कंपेयर, क्योंकि आप जितना भारत के साथ पाकिस्तान को कंपेयर करोगे उतना पाकिस्तान में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा कि हम तो बिल्कुल ही एक किस्म के जिसको कहते हैं ना नालायक है, हमारे कोई बस का नहीं है। जब आप कंपेयर करोगे, भाई भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से 10 गुना से ज्यादा है, इट इज मोर देन 10 टाइम्स, आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? लेकिन है पाकिस्तानी पंजाबी माइंडसेट यही कहता है कि मैंने कंपेयर करना है, और एक सेंटेंस यूज करते हैं सारे यूट्यूबर और इनफैक्ट टेलीविजन पे भी कि वो कहां खड़े हैं और हम कहां खड़े हैं। मैंने एक पाकिस्तानी को बोला कि खड़े तो हम हैं, तुम तो पड़े हो, तुम कहां से खड़े हो यार? कह रहा नहीं मेजर साहब हम कहीं तो खड़े होंगे, तुम जमीन पर पड़े हो यार, तुम नहीं खड़े हो। तो ये कंपेयर करना जैसे शहबाज शरीफ ने, और इसको पता नहीं प्रधानमंत्री किसने बेवकूफ ने, मुझे पता है किस बेवकूफ ने बनाया, आई शुड नॉट से दैट, वो जनरल है आर्मी के, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिसने इनको प्रधानमंत्री बनाया शहबाज शरीफ को। लेकिन यार ये क्या, आपको ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान एक बेहतरी के रास्ते पे चले तो हमें बात समझ में आती है कि पाकिस्तान जो है बेहतरी के रास्ते पे जा रहा है। पाकिस्तान में टैक्स ज्यादा वसूल होने चाहिए, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, बिजली सस्ती हो पाकिस्तान में, पानी ठीक से, उसका वितरण जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ठीक से हो, बिजली ठीक से आए, जॉब की अपॉर्चुनिटीज हो, इंडस्ट्री वहां पर लगे, इन्वेस्टमेंट, ये मुझे बात समझ में आती है। जब भी पब्लिक को मोटिवेट करना था भारत से आगे निकल जाएंगे, भारत क्या भारत के बाप को पीछे छोड़ देंगे, लोगों ने ताली पीटी, शहबाज शरीफ भी भूल गया उसने क्या बोला था, घर चला गया। ये इनके हाल है यार, वहां पे पाकिस्तान में स्कैम हो रहा है। काकड़ था ना प्राइम मिनिस्टर, याद है आपको, टेम्पररी, इनका केयरटेकर नहीं, वो टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर है, आप केयरटेकर मत समझना, वो तो पाकिस्तानी कहते हैं, मैं टेम्पररी कहता हूं उसको,
काकड़ ने पैसे कैसे बनाए? काकड़ ने बोला कि यार हम लोग ना अब पैसे बनाने हमारी तो लिमिटेड सरकार, काकड़ को सिर्फ 90 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया था, उसने खींच के पता नहीं 180 दिन कितना रह गया वो, बट सर्टेनली मोर देन 90 डेज काकड़ रह गया प्रधानमंत्री। वो था क्यों, वो कर क्या रहा था काकड़ आपको पता है? काकड़ ये कर रहा था यार, काकड़ ने बोला कि जो जिसको पाकिस्तानी गंदम बोलते हैं ना, यानी कि वीट यानी कि गेहूं।